हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा SO के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। जो SO की वैकेंसी हैं वो हैं एक्सपीरियंस होल्डर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर की। मेल फीमेल इसमें आवेदन कर सकते हैं, महिला पुरुष, डिग्री और ग्रेजुएट होना चाहिए और संग में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से आप आवेदन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे फॉर्म मैं पूरा बताऊंगा आपको, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कैसे भरना है आपको फॉर्म। 4 नवंबर 2022 से आवेदन शुरू हो गए हैं, 18 नवंबर 2022 तक भरे जाएंगे। रिक्रूटमेंट ऑफ IT वैकेंसीज इन स्केल 1, 2, 3, 4 ऑन डेपुटेशन या फॉरेन सर्विस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडियन पोस्ट द्वारा। ये बैंक की एक जॉब है जो कि बहुत अच्छी बैंक की जॉब है। आप अगर बैंक की जॉब पाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं फॉर्म की, बैंक की जॉब भर पाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें और फॉर्म अपना भरें, आवेदन करें। तो चलिए मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके दिखाता हूँ। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और इसके करियर सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। करंट ओपनिंग में यहाँ पे आ रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेरियस इन स्किल 1, 2, 3, 4 ऑन डेपुटेशन बेसिस पे। तो ये 4/11 से आपके आवेदन शुरू हो गए हैं, 18/11 तक चलेंगे। और अप्लाई ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, और डिटेल एडवर्टीजमेंट देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करें। मैं आपको दोनों अभी बताऊँगा, डिटेल एडवर्टीजमेंट पहले पढ़ाऊँगा, फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस भी बताऊँगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना चैनल दिखा दूँ ऑल जॉब केंद्र, जिसके माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं। संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर देता रहता हूँ मैं आपको इसमें, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, फिलअप प्रोसेस, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस। अगर आपको और भी फॉर्म फिलअप प्रोसेस या कोई भी नोटिफिकेशन जानना है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सिलेबस, एडमिट कार्ड, एग्जाम पैटर्न, रिजल्ट, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर बना के दूंगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि हमें इसी प्रकार मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। और अब हम चलते हैं इसकी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर कैरियर्स में जाके हम इस पेज पर आ जाएंगे, जिसमें आपको मैं डिटेल एडवर्टीजमेंट अब आपको पढ़ के बताता हूँ। ये इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPBSO रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन रिलीज, अप्लाई ऑनलाइन बिफोर 18 नवंबर से। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 4 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन, और क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 18/11 तक इसके आवेदन समाप्त हो जाएंगे। और लास्ट डेट ऑफ एडिटिंग योर एप्लीकेशन की है 18/11, लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन की है 3/12, और ऑनलाइन फीस आपको सबमिट करेगी करनी पड़ेगी 4/11 से 18/11 तक। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ₹750 हैं आपके सभी कैटेगरी के लिए। अब बात करें इसके एज लिमिट की, तो एज लिमिट असिस्टेंट मैनेजर की 20 से 30 साल है, और मैनेजर की 20 से 35 साल है, सीनियर मैनेजर की 26 से 35 साल है, चीफ मैनेजर की 29 से 45 ईयर्स है। और बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, असिस्टेंट मैनेजर IT की हम वैकेंसी ज़्यादा हैं तो वो भर के बताएंगे, तो वो है बैचलर ऑफ साइंस इन IT कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन IT और कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन IT और कंप्यूटर साइंस, MSc इन IT और कंप्यूटर साइंस, BCA MCA एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। अब मैनेजर IT में ये सारी पोस्ट जो हैं एक्सपीरियंस होल्डर की हैं, इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें 7 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें 9 ईयर एक्सपीरियंस। तो मैनेजर की पोस्ट IT के लिए, जिसमें है बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन IT और कंप्यूटर साइंस, MSc इन IT और कंप्यूटर साइंस, BCA MCA 7 ईयर का एक्सपीरियंस। ऐसे ही सीनियर मैनेजर में IT में बैचलर ऑफ साइंस इन IT और कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन IT और कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन IT और कंप्यूटर साइंस, MSc इन IT और कंप्यूटर साइंस, BCA MCA 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें
तो सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। बैंक पर राइट रखता है, अधिकार रखता है ग्रुप डिस्कशन कराने का और ऑनलाइन टेस्ट कराने का। और इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो की बात करें तो फॉर्म फिलअप की वीडियो मैं आपको बना के अभी दिखा रहा हूँ, आप मेरे संग देखते चलिए। अब हम इसका एडवर्टीजमेंट जो है वो भी एक बार यहाँ से भी पढ़ लें। तो ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो रहा है और हम इसको एडवर्टीजमेंट को पढ़ लेते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की फॉर्म फिलअप वीडियो पाने के लिए और गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, ये इंडियन पोस्ट बैंक पेमेंट बैंक का नोटिफिकेशन है जो कि 4 नवंबर से 18 नवंबर तक भरे जाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आके आप आवेदन कर सकते हैं। और 18 नवंबर लास्ट डेट है इसकी। और जे जूनियर मैनेजर स्केल हैं, ये असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, सबकी एज लिमिट मैंने आपको बता दी। पे स्केल मिल गया और आपका एक्सपीरियंस मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब आपकी वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी सबसे ज़्यादा हैं आईटी में, आईटी में ही चारों हैं, 1, 2, 3, 4 असिस्टेंट मैनेजर आईटी की हैं 8, 18 वैकेंसी, आईटी मैनेजर की हैं 13, सीनियर मैनेजर आईटी की हैं 8, चीफ मैनेजर की हैं 2। अब इसके बाद बात करें तो अपनी आईटी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर आईटी की 4 वैकेंसी हैं जो कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन देनी है आपको ये, और वर्क एक्सपीरियंस देना है आपको ये जो कि 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। और आपको आईटी में मैनेजर स्किल की, असिस्टेंट मैनेजर की आईटी में है उसमें भी आपकी ये एक्सपीरियंस है, और मिनिमम आपको 5 इयर्स का देना है। टोटल आपकी सीएस में है और आईटी में है, टोटल आपकी सीएस और आईटी में है आपकी, अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन अलग आपका अलग अलग है, 4 और 3 वैकेंसी हैं और ये 5 वैकेंसी हैं टू हैंडल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस टाइप से आपकी अलग अलग टोटल वैकेंसी आपकी हो जाएंगी। तो ये आपकी वैकेंसी हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और आईटी प्रोसेस में भी, सीनियर मैनेजर में भी हैंगी, चीफ मैनेजर में भी हैं, आईटी में 1 वैकेंसी है। इसमें आपको 11 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू से होगा। अब बात करें एप्लीकेशन फीस है 750, मैं आपको बता चुका हूँ। और ये सब आपका डेपुटेशन बेसिस पे, 2 इयर्स के डेपुटेशन बेसिस पे होगा। पोस्टिंग आपकी चेन्नई, दिल्ली, मुंबई में होगी, और एनी वेयर इंडिया से आप कहीं पर भी पोस्टेड किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने पूरा फुल आपको नोटिफिकेशन बता दिया। ये एकदम आईबीपीएस जैसा फॉर्म भरा जाएगा जैसे आईबीपीएस में भरा जाता है, फोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड रिटर्न डिक्लेरेशन। तो वो सब मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। ये फुल नोटिफिकेशन हो गया। अब हम केवल और केवल सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल 1 में, असिस्टेंट मैनेजर आईटी में 18 वैकेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्किल 1 में असिस्टेंट मैनेजर 4 वैकेंसी, तो जिसमें बैचलर ऑफ साइंस आईटी में मांगा गया है वो, और कैंडिडेट आपको 5 साल का एक्सपीरियंस वो हम भरेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इसका अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कीजिए तो ये अदर एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जाएगा। ओके कर देंगे तो ये एक एक्सटर्नल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की रिक्रूटमेंट ऑफ आईटी वैकेंसीज इन स्केल 1, 2, 3, 4 और डेपुटेशन फॉरिजन सर्विस फ्रॉम डेपुटेशन ऑफ पोस्ट 4 नवंबर से भरना शुरू हो गए हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, बैंक की जॉब करना चाहते हैं, आईटी इंडस्ट्री से बैंक की जॉब में आना चाहते हैं, और आईटी इंडस्ट्री ही है ये, बैंक के संग आईटी इंडस्ट्री दोनों, आईटी ऑफिसर की एसओ की जॉब है, बैंक की जॉब भी है, आईटी ऑफिसर की भी जॉब है, तो आपके दोनों इसमें काम पूरे हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी हो जाएगी, आईटी बैंक की इंडस्ट्री भी हो जाएगी। तो आप अगर इसमें आना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो 4 नवंबर से भरना शुरू हो गए हैं 18 नवंबर तक। तो आप मेरे संग सीख लीजिए और भरना, अपना घर बैठे भरना, फॉर्म भर दीजिए। क्लिक हेयर, अगर आप इस पे पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए, और पहले कर चुके हैं तो लॉग इन कर लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया मैंने, उसके बाद स्टेप आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप आ गई, जिसमें बेसिक इन्फो, फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट।
तो बेसिक इन्फो में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सिंपली रजिस्ट्रेशन कीजिए, जिसमें आपको तीन डिटेल मांगा जाएंगी। फर्स्ट नेम आप भर दीजिए और कंफर्म फर्स्ट नेम भर दीजिए, और मिडिल नेम कुछ नहीं भरना है आपको, कंपलसरी नहीं है। लास्ट नेम कंफर्म मिडिल नेम भी कंपलसरी नहीं है, केवल कंपलसरी है स्टार मार्क्ड वाला जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम वाला भी कंपलसरी नहीं है। तो आपका फुल नेम यहाँ आ जाएगा जो आपने भरा है, और अपना एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिएगा। मैं सैंपल के तौर पे डमी मोबाइल नंबर भर रहा हूँ, आप अपना एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर दीजिएगा और ईमेल आईडी इधर लिख दीजिएगा। मैं अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इधर मैं जीमेल आईडी लिख दूंगा अपनी, और इधर सिक्योरिटी कोड लिख देता हूँ मैं Z3ZCZ। इसके बाद मैं सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने है ना सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये फोटो सिग्नेचर सेकंड स्टेप पे आ गया, जिसमें ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया। इसको आप सिक्योर कर लीजिए, अपना नोट डाउन कर लीजिए, ये फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा आपके एडमिट कार्ड और आगे की प्रोसेस में लिए। तो आप स्कैन फोटोग्राफ इधर चूज फाइल पे क्लिक करके जहाँ पे भी आपके कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, पीसी में रखे हैं वहाँ पे अपलोड कर लीजिए। आई कन्फर्म पे टिक कीजिए, ऐसी स्कैन सिग्नेचर पे क्लिक करके अपलोड कर लीजिए, और जहाँ पे भी रखे हैं वहाँ पे अपलोड कर लीजिए और चेक मार्क कर दीजिए। तो और उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने नेक्स्ट कर दिया और मैं थर्ड स्टेप पे आ गया, जिसमें बेसिक डिटेल भरनी है आपको। तो बेसिक डिटेल में आपको बेसिक डिटेल में पोस्ट चुननी है, पहले क्या है असिस्टेंट मैनेजर आईटी की भरनी है मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया जूनियर मैनेजर स्केल वन की है ये। एक बार हम नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, जूनियर मैनेजर स्केल वन की है ये, असिस्टेंट मैनेजर आईटी जूनियर मैनेजर स्केल वन। अब ये आगे सब कैटेगरी क्या है आपकी, सीबीएस है, आईटी है, क्या है ये हम इसका एडवर्टीजमेंट में देख लेते हैं। तो ये है आपका फाइनेंशियल टू हैंडल सीबीएस टेक्निकल सपोर्ट। तो इसमें टू हैंडल सीबीएस टेक्निकल सपोर्ट, इस पर आप क्लिक कीजिए। और डीओपी ऑफिस करंटली वर्किंग अंडर, आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर करंटली वर्किंग, तो इस पर आप क्या लिखेंगे, करंटली वर्किंग हैं तो आप नो लिख देंगे, नो। डीओपी एम्प्लॉय कोड आपका कुछ है तो वो आप लिख देंगे, या नहीं है तो नो लिख देंगे। डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आप कहीं वर्किंग हैं तो यस कर दीजिए। एम्प्लॉय कोड आप अपना भर दीजिए। और करंट पे आपका क्या है, सेवन का, वो भर दीजिए। और करंट पे लेवल क्या है आपका, वो भर दीजिए पे लेवल का। बेसिक स्केल कितनी है आपकी तो वो लिख दीजिए आप। और आप कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल है, क्या है वो लिख दीजिए। वो लिखने के बाद रिलीजन क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या है, क्रिश्चन है, वो लिख दीजिए। रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, हाँ या ना कर दीजिए। और नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन, वो लिख दीजिए। आर यू होल्ड आधार कार्ड, तो येस और नो कर दीजिए। अगर आप पे आधार कार्ड है, ये कंपलसरी है, तो येस नो कर दीजिए। येस करेंगे तो आपको इधर डिटेल देनी पड़ेगी, नो कर देंगे तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आप एंटर कर दीजिए, जेंडर अपना मेल फीमेल भर दीजिए, ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं अगर हाँ करते हैं तो आपको जानकारी देनी पड़ेगी, और नहीं है तो नहीं देनी पड़ेगी, तो नो कर दीजिए। और मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, कैन मैरिड है, फादर नेम भरिए आप, फादर नेम भरिए, मदर्स नेम भरिए, एड्रेस क्या है आपका, एड्रेस भरिए, डेट
डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, डिस्ट्रिक्ट भरिए। स्टेट क्या है आपकी, स्टेट भरिए। पिन कोड क्या है आपका, पिन कोड भरिए। और आपका एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस और एड्रेस फॉर परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये सेम कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो मैन्युअली टाइप कर सकते हैं आप। और चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, आप कहाँ चाहते हैं, परमानेंट एड्रेस पे, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस पे, वो क्लिक कर दीजिए। आपके 750 रुपये लगेंगे अमाउंट फीस। और वैलिडेट योर डिटेल कर दीजिए, वैलिडेट हो जाएंगी, वन एरर फाउंड हो जाएगा। वैलिडेट करने का यही फ़ायदा होता है, आपका एक एरर आ जाएगा। ये डेट ऑफ बर्थ का है, मैं डेट ऑफ बर्थ भर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने वैलिडेट योर डिटेल कर लिया, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद ओके कर देंगे, ये नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा आपका। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा आपका। जो डिटेल का सेक्शन है उसके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज पे पहुंच जाएगा, जिसमें आपको ग्रेजुएशन भरनी है। आपको स्टार मार्ट है, ग्रेजुएशन में आपको भरनी है आपकी क्या है, आपकी बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन IT, ये भरनी है आपको। इनमें से कोई भी आप भर सकते हैं। तो मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन IT भर रहा हूँ। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपका भरना हूँ मैं, अपना जो भी मेरा है मैं वो भर रहा हूँ, आप अपना भरिएगा। डेट ऑफ पासिंग कब हुए थे आप, वो भरिएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने थे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप भरिए। और ग्रेड क्या आई थी आपकी, फर्स्ट ग्रेड आई थी, सेकंड ग्रेड आई थी, वो भरिए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आपको ये भरना है, डू यू हैव मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन DOP हैंडलिंग मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, AML, रिस्क मैनेजमेंट। तो आप यस कर दीजिए। और आपको प्रेजेंटली कहीं वर्किंग है तो यस हैं तो यस करिए, और नहीं है तो नो कर दीजिए। और वेदर विजिलेंस एनी केस इंक्वायरी आपकी पेंडिंग है तो यस और नो में आप जवाब दे दीजिए। स्पेशल अचीवमेंट कुछ हैं तो हाँ कीजिए, और नहीं है तो एन ए लिख दीजिए, नो लिख दीजिए नो। और आप लैंग्वेज क्या क्या जानते हैं, हिंदी इंग्लिश, वो लिख दीजिए। रीड राइट स्पीक करना जानते हैं तो वो लिख दीजिए। इंग्लिश भी जानते हैं तो वो लिख दीजिए। और अदर कोई रीजनल लैंग्वेज जानते हैं तो वो भी लिख दीजिए, उस पर टिक मार्क कर दीजिए। और वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस जरूरत था असिस्टेंट मैनेजर IT में, तो मैंने एक्सपीरियंस भी लिख दिया। DOP इंजीनियर, डेजिग्नेशन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंजीनियर था, ग्रेड इंजीनियर की थी मेरी। और अभी मैं कहीं वर्किंग नहीं हूँ, नो कर दिया। ऑफिस मेरा कहाँ था, मुंबई में, और 1 जनवरी 2016 से मैं वर्क कर रहा था 1 जुलाई 2021 तक। और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी मेरी, वेब एप्लीकेशन बनाने की। टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया मेरा, और टोटल पीरियड ऑफ सर्विस मेरी ये हो गई 5 साल की। इसके बाद मैं वैलिडेट और योर डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद ओके कर देंगे, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ गया दोस्तों, आप इसको चेक कर सकते हैं अच्छे से। और अच्छे से चेक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके इसको नीचे आएंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, और ओके पे क्लिक कर देंगे। आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, ओके और कैंसिल आ रहा है, ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये ओके हो जाएगा। अब पांचवा स्टेप आ गया अपलोड्स का, जिसमें आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है, रिज्यूम लगाना है अपना, तो आप लगा दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने है ना लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगा लिया, ये प्रीव्यू आ गया, और रिज्यूम लगा लिया PDF फॉर्मेट में, ये आपका रिज्यूम आ गया। ये आपको अलाउड एक्सटेंशन है आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन का JPG और JPEG, और रिज्यूम का है आपका PDF में होना चाहिए। तो और गाइडलाइंस पढ़नी है तो आपको क्या साइज है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंने अटैच कर लिया, प्रीव्यू आ गया। अब मैं इसका सिक्योरिटी कोड लगा रहा हूँ GM3P9। ये लगाने के बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद ये कह रहा है ओके और कैंसिल, तो ओके कर देंगे। और ये 750 रुपये का पेमेंट गेटवे पे आ गया, पेमेंट पेज पे। तो आप ये कैप्चा कोड भर दीजिए 7D5BM, इसको भरने के बाद आप सबमिट कर देंगे। तो डू यू वांट टू सबमिट, ओके और कैंसिल आ रहा है, ओके कर देंगे तो इसको पेमेंट गेटवे पे जाएगा ये। अब इसको क्रेडिट कार्ड से आप भुगतान कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट,
मंथ ईयर सीवीवी नंबर कार्ड होल्डर नेम में पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से। अदर डेबिट कार्ड आपके आ रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, RDFC, फर्स्ट बैंक, कर्नाटक बैंक, केरला बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इंटरनेट बैंकिंग आ रही है एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, SBI, RDFC, HDFC, ICICI और ये सारे बैंक आ रहे हैं। आप इनमें से किसी पे भी आपकी सुविधा है तो आप उनमें से आप अपना इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना भुगतान कर सकते हैं। मोबाइल में आपके OTP आएगा, सिक्योर्ड वेरीफाइड पेमेंट होने के बाद आप अपना प्रिंटआउट ले सकते हैं और PDF स्कैन, PDF सॉफ्ट कॉपी, वो भी अपनी सुरक्षित रख लीजिए फ्यूचर यूज़, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और वैलिड कार्ड, कैश कार्ड से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड से भी, भीम UPI से कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। अब इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग अगर आप SBI से करना चाहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो मेक पेमेंट करेंगे तो आप मेक पेमेंट देखिए तो आपके 750 प्लस 1300 रुपये 15 पैसे आपके कन्वेंस फीस के लगेंगे और टोटल GST 18 GST लगेगी, 2 रुपये 37 पैसे, टोटल आपके 762 रुपये 52 पैसे का आपका पेमेंट लगेगा। प्रोसीड कर देंगे तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, आपका जो नेट बैंकिंग का पासवर्ड है उससे आप वेरीफाई करके, आप OTP वेरीफाई करके आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में, वो आगे आपके फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर यूज़ के लिए काम में आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, करियर के सेक्शन से आपको रिक्रूटमेंट ऑफ मैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेरियस इन वैकेंसीज इन वेरियस स्किल्स, स्किल 1, 2, 3, 4 ऑन डेपुटेशन बेसिस पे अप्लाई ऑनलाइन करना बताया और नोटिफिकेशन भी बता दिया मैंने आपको कि पूरा प्रोसेस कैसे अप्लाई करते हैं और इस विंडो से आप अप्लाई करते हैं। इस विंडो का भी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो आपकी और नई नई वीडियोस बना के लाएंगे। और अगर आपको और भी कोई जानकारी पे वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, बना के लाएंगे, आपको सूचित करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको देख पाएंगे और घर बैठे ही फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB द्वारा 2022 में SO का ऑनलाइन फॉर्म रिक्रूटमेंट कैसे भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर SO, मैनेजर चीफ मैनेजर का मेल फीमेल द्वारा डिग्री और ग्रेजुएट और एक्सपीरियंस मांगा है, ऑल इंडिया से, पूरे भारत से, कहीं से भी भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरा प्रोसेस बताया है। तो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी लेटेस्ट वीडियोज़ पाने के लिए। तब तो चलिए दोस्तों चलते हैं किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।